अस्सलाम वालेकुम गुले चारों का मना रफीक बलोच ओमन बासिद आसकानी। अच्छा गुले चारों का मर्ची में रिस्पॉन्स कोता स्काई व्यू पब्लिक स्कूल सर जहीर अब्बास से मलक में नतवारी के मर्ची मारा लौटाए थे सर। आपका दिल की गहराई से मेहरबानी शुक्रिया। अच्छा तो बलोच का मैं भी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, उस्ताद फिल्म्स का स्पेशली जिन्होंने हमारे स्कूल को ये मौका बख्शा कि आप लोगों की मेहमान नवाजी की। थैंक यू सर। अच्छा गुले चारों का माय मिशन भी हमेशा इस्ताल है कि चुक बेवाना ठीक है माँ चुकाने वास्ता कार करने की माँ चुकाने सोची चुक बुआना स्कूल बेवाना मदरसा बेवाना ट्यूशन बेवाना सब पिछन छे विषय बारे तो बारे बिल्कुल बिल्कुल माँ तो होती यार एपिसोड हमें कुछ के पहला वानक चुक्का पहला वान है वान है शरीर चीज बेवान है ना बिल्कुल। अच्छा गोले चारू का माँ चुक भी नष्टा का मैं चुक कंदा गया। अच्छा रफीक जान तरह ची पहला सवाल ऐसे के मराची चीज पहला सवाल आपसे फर्स्ट सवाल मैं करता हूँ कि आपके माइंड में कैसा है कि स्कूल ओपनिंग करने का। बासित भाई गुज़िश्ता 12 सालों से मैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में यूनिवर्सिटीज़ में एज़ अ विजिटिंग फैकल्टी टीचिंग कर रहा हूँ और मैंने कम्युनिकेशन गैप देखा टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल माहौल ये है कि बच्चों के साथ ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है मार धाड़ के ज़रिए से, जिससे बाज़ बच्चे जो है दिल बर्दाश्त होकर स्कूल छोड़ने की नौबत तक पहुँच जाते हैं और इसमें पेरेंट्स भी कसूरवार हैं क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से बच्चों की काउंसलिंग नहीं कर पाते या तो बस उन्होंने अपनी जिम्मेदारी यहाँ तक समझी हुई कि बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाएं और उनकी महाना फीस देकर सारी जिम्मेदारी स्कूल ओनर्स पर छोड़ देते हैं। बच्चे स्कूल आते हैं घर से यहाँ पर पढ़ते हैं 3 से 4 घंटे घर जाते हैं फिर 20 घंटे तक वालदेन कोई देखभाल नहीं करते चाहे बच्चे बैग फेंक कर चले जाएँ कहीं भी और वालदेन को स्कूल ओनर से बुलाते हैं प्रिंसिपल्स के आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तवज्जा दें तो उल्टा पेरेंट्स आकर ब्लेम करते हैं स्कूल ओनर्स कि हम फीस देते हैं हमें रिज़ल्ट चाहिए। तो इस कम्युनिकेशन गैप को देखते हुए हमने इरादा जाहिर किया कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट क्रिएट करें कि जहां पर बच्चे और टीचर्स एज अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट में पढ़ें ताकि बच्चों का जो रुझान है तालीम की तरफ बढ़ जाए। ज़बरदस्त रफीक जान सारा बाज वर्षी अबरे को एक अली टीचर ने जिम्मेदारी नहीं गोले चारों का मात पिता ने भी जिम्मेदारी है होती चुका ने सर ध्यान पिता था चुक छे खाना गए छे वो आना गए माँ बस स्कूल आए थे रफीक जान बस स्कूल आओगे पीस दे गए ना कल मायना जोश नहीं करने स्कूल तो छे वान था ब्याह में धीमा नहीं और देखे भी चीज़ें माँ अक्सर तिस्ता बासे जन मैं अगर चुकाना सर या टीचर जनते तो फौरन अली मार के दोष के बस चाहते कि 10-30 साल को तो चो मत समझा मामा ने स्कूल बस खत्म वही अब अगर ती चुकी तो 6 बजे अच्छी जाती की पर शर्रिया जाती की तो बाजे मान ची मतलब जिस तक आ चुक करो अम्मा मना जाता टीचर या सरा तो ये मात पर पूछा कि बस वाने का पेल चश्मा तुम जा ना चश्मा कने अगर सारा टीचर जाता चुप पर शरीया जाती की जिस में कि चिया जाती की बिल्कुल गोले चारों का मात पे ते अक बनी ते चेके टीचर भी मात पे ते जा गया बेंते माँ का सानिया वान तक ही माँ होती टीचर ने कहा रफीक जान अंचू तोड़ सकते कि मैं पाद लड़ सकते का टीचर ने देवा। अच्छा सर आपसे एक और भी सवाल करता हूँ कि पहले गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी होते थे क्योंकि मैंने खुद भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है काफ़ी तो आजकल प्राइवेट स्कूल के रुझान क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए वासिद भाई गवर्नमेंट स्कूल तो बेतहाशा हैं गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी कर रही है उन स्कूलों को बिल्डिंग को देखें आप और हायर क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हायर की जाती हैं मगर वालदेन का जो भरोसा है ना गवर्नमेंट स्कूल से वो उठ चुका है। इंटीग्रेशन में आप देखें बलूचिस्तान में देखें स्कूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ पर बोगस टीचर्स हैं जो जाते नहीं हैं बच्चे जाते हैं बग़ैर कुछ पढ़े लिखे दोबारा घर आते हैं 8 से 10 साल के बाद आप उनका रिज़ल्ट देखें तो 0 के बराबर होता है। तो इस कम्युनिकेशन गैप को देखकर स्टूडेंट और टीचर्स का पेरेंट्स ये डिसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारा बच्चा किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े जहाँ पर तवज्जो दी जाती हो और हम जवाबदेह भी हों टीचर्स को कि भाई आपको हम फीस दे रहे हैं आप हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। उसको देखते हुए मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपने फ़रायद अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सर। अच्छा कुछ बच्चों से भी सवाल करते हैं। अच्छा बच्चों से उर्दू सवाल करूँ बोलो जी दोनों सवाल कर सकते हैं आप जवाब। अच्छा उर्दू में पूछेंगे सबसे पहले कौन बताएगा कि अल्लाह अल्लाह पाक का आखिरी नबी कौन था। हाथ उठाए हाथ उठाए हाथ उठाए माशाल्लाह माशाल्लाह।
आप आ जाए जी बोले। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट, आप सर इनको गिफ्ट दीजिए, ये आपके लिए, ठीक है, घर ले जाएं। अच्छा सर, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो नाकार हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए कुछ आप ऐसा बात बोलें कि वो पढ़ें। देखिए बासित भाई, मेरे पास यहाँ मेजोरिटी थी ऐसे बच्चे जो पढ़ाई से दूर भागते थे। अच्छा, रफीक की तरह। मतलब बहुत से ऐसे बच्चे ऐसे बच्चों की हमने काउंसलिंग करके, टीचर्स को बार बार समझा करके बच्चों को प्यार से पढ़ाए, बच्चों का दोस्त बनकर पढ़ाए। आप अपना जो लेवल है बच्चों के बराबर ला के पढ़ाए। अगर आप उस बच्चे की जगह होते तो क्या करते हैं? क्योंकि मैं भी एक निकम्मा बच्चा था स्कूल टाइमिंग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्लास 8 में जब अभी अलहमदुल्ला मैं सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। कैसे? अच्छा। बढ़ा, उसके पीछे एक राज है। क्लास मैट्रिक तक मैं भगोड़ा था। अच्छा। स्कूल से टुल्ले मारना, कहीं घूमने फिरने जाना, घर पर बेजार होकर मैंने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं है, मैं टायर पंक्चर का काम सीख लूंगा लेकिन पढ़ना नहीं है। रीज़न क्या था? सिर्फ टीचर्स की मार। सर मेरा भी सेम यही कहानी था, मैं स्कूल में अक्सर लेट जाता था, अभी तक भी मैं काफ़ी बार शूट पे लेट जाता हूँ, क्योंकि नींद मेरी कमजोरी है। पता है खबरें कुछ, अगर टीचर भी या सर भी या चुपका नहीं बोला भी अंशु बेल्दी ना कि चुप पे समझे कि मैं मात पे तमिशा हूँ। अंशु प्यार मोहब्बत है, दिल गुड़ा लगी बाजे माँ आया भी कुछ कि चुपका है टीचर या सर भी नहीं बोला अंशु प्यार है सर बर्ताव बिकना के दिल पहले की भले रफीक बाजे टीचर चो भी शिरकेन मावा के चोक मावा ना वो बाजे अंचे सख्त भी मावा के चोक बोतोर संते मावा नते ना ठीक है खाते भी मैं बोसोर अक्सर गोली चारू का गोशा के धीमे मर्दोमा ना चो मोर बेदार ना डिल्ला ले बेदे नॉर्मल बेदार है ताकि आ जिंदगी भर चोक्का ने मसाला विजिट बेवा नते मने याद है मने एक लट्टी जामनी सदा बड्डा अंगल अपड़े। अच्छा अच्छा, बच्चों से एक और सवाल करता हूँ, हम सबको किसने पैदा किया? हाथ उठाए। तब आप लोग ने बता दिया, अब मैं किसी को इनाम नहीं दूंगा। आप लोग नहीं बताए, सिर्फ हाथ उठाए, ठीक है, जब मैं सवाल करूँगा हाथ उठाए। अच्छा, चांद चांद और सूरज ये तमाम कायनात का मालिक कौन है? हाथ उठाए सिर्फ। हाँ, आप आ जाए, आप आ जाए, उनको बुलाएं। ये माशाल्लाह गोले चारू का बास कसाने चौकी ईशा भर जोश करें। अच्छा, चांद सूरज और तमाम कायनात किसने बनाए? जोर से बोलो, अल्लाह ताला ने। अच्छा, अल्लाह ताला ने बनाया, बिल्कुल दुरुस्त। ये पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। इनको सर इनाम दीजिए, तालियां बजाएं। अच्छा, एक और सवाल करता हूँ बच्चों से, सिर्फ हाथ उठाए, ठीक है, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? हाथ उठाए। हाँ, हाथ उठाए। आप आ जाए। हाँ, आप आ जाए। अच्छा, क्या पढ़ना चाहिए? मुंह उस तरफ करें, कैमरे की तरफ। क्या? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके दो आगे के दांत कहाँ हैं? इसी बस्ते है, इनको तो कहाँ? हाँ, बैग में रखे हुए। चलो सर, इनको इनाम दीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना चाहिए, और पानी भी पियेंगे तो तीन सांस में पी के, ठीक है, और बैठ के पिए। अच्छा सर, आपसे एक और सवाल करना है, आप स्कूल की लाइफ में टीचर माशाल्लाह काबिल एहतराम है, घर का माहौल कैसे बच्चों का आपका, पढ़ते हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर पर पहला बच्चा मैं था अपने वालदेन का, और अच्छा। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है, एमबीए क्वालिफाइड हूँ मैं। और उससे पहले का माहौल मैं बताऊँ आपको कि मैं बड़ा चिढ़ता था पढ़ाई से। रीज़न क्या था? सिर्फ मार धाड़। जो टीचरों ने ट्रेडिशन अपनाया हुआ है कि बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो ये हाथ सुझा देना है, चेहरा सुझा देना है, जो घर का गुस्सा है वो बच्चों को उतारना है। मैट्रिक के बाद मुझे एक मेंटोर मिले और उन्होंने मेरी लाइफ ऐसी चेंज की कि आज तक मेरा इंटरेस्ट जो है वो तालीम के साथ लगा हुआ है, और मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, एमफिल जो है वो मैं स्टडी कर रहा हूँ फिलहाल कराची यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और इलाके में जो बच्चे हैं तमाम जो है वो तालीम हासिल करें और कामयाब इंसान बने आगे जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा गोले चारू का एक देखे सवाल भी माँ कना सराची के
बाजे प्राइवेट स्कूल में दिस तक गवर्नमेंट स्कूल भी शतको मैं प्राइवेट स्कूल भी शतको बल्कि सर भी मनी सवाल ऐश के ना गए कि प्राइवेट स्कूलों ने अक्सर टीचर ने सैलरी चाहिए कम बीती इसके बाद इशू भी मरदम गोशा के सैलरी कम में चाहिए हमारा मगोश बारे अबर खने भले बेचा इनकम मेन चीज़ है इनकम महंगाई चारक कपी के जो हमारा प्रिंसिपल स्कूल है ये सर चिच्चो जिम्मेदारियाँ किराया भी दिएगी देगे मामला भी चार गियाँ चुका ने बाजी एक्टिविटी रहा चार गियाँ थे सर इसके बारे में आप बताएं तो बेहतर होगा। बासित भाई देखें ये जो पेशा है ना तालीम देने का ये एक खिदमत है। अच्छा आप बच्चों का मुस्तकबिल संवारते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में फीस भाई बड़ा सैलरी दे रहे हैं। में फीस नहीं है गवर्नमेंट सैलरी देती है लेकिन वहाँ रिजल्ट नहीं मिलता। हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ हमारे टीचर्स को मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ जो कम वसाइल और कम सैलरीज में जो है ना आउटपुट ज़्यादा देते हैं। ठीक है हम अगर बात करें इन लोग बैकवर्ड एरिया तो वहाँ सैलरीज 3,000 से 5,000-7,000 रुपये तक है जो कि कुछ भी नहीं है किसी टीचर के लिए। ठीक है उसमें वो अपना टाइम इतनी मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए ये उनको सलाम पेश करता हूँ मैं तहे दिल से तमाम प्राइवेट स्कूल टीचर्स को। माशाल्लाह माशाल्लाह एक सवाल करने का चुका जी अच्छा गोले चारू का ये दौरत का कसी रुपये खर्च न कहा सारू थी किस्सा का खर्चा भी कर गए बायदे में मुआचा देखे भी अगर रास्ता ब्याएँ थे स्काई व्यू पब्लिक स्कूल ब्याएँ सरे कर रहा चुका ने राह भी दिया चाहिए तो फीस भी ज़्यादा नहीं। अच्छा फीस भी इंचो नहीं है दे बाकी ब्याह रहे थे बिल्कुल मैं सारा अप्रिशिएट करना माशाल्लाह उसी टीचर ने उन्हें कुर्बानी दिया गया स्कूल तो का। अच्छा यहाँ पर बस मैं एक और बात शामिल करता जाऊँ हमारे जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पर टीचर्स का काफ़ी योगदान है तीन तीन क्लासेस के लिए एक टीचर मुख्तस होती है लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम है उसके बावजूद हर क्लास के लिए एक टीचर हमने अरेंज की है ताकि पूरा का पूरा जो तवज्जा है वो हमारे बच्चों पर उनके सब्जेक्ट्स पर है। माशाल्लाह माशाल्लाह वे सर के लिए ताड़ियाँ बजाएँ थोड़ा सा। अच्छा सर मैं आपसे ये सवाल दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि पब्लिक हमारे देखने वालों को पता चले कि आप दोबारा ये जवाब दें हमें कि आप स्कूल में मतलब कितने टीचर हैं और कितने बच्चे हैं एक बार दोबारा बताएं आप। लेकिन बच्चे हमारे पास अभी जो हैं करंट स्ट्रेंथ वो 70 है टीचर्स जो हैं उन पर 11 टीचर्स फिल वक्त जो हैं स्कूल में पढ़ा रही हैं और हमारे पास फिल वक्त 8 क्लासेस हैं माउंट जूनियर से लेकर क्लास 9 तक 8 क्लासेस हैं और हर क्लास के लिए एक टीचर मुख्तस है। स्पेयर में भी हमने एक टीचर रखी है कि खुदा ना खासा कोई टीचर अगर एब्सेंट रहती है तो उनकी जगह पर भी हमारे बच्चों के एक दिन भी ज़ाया ना जाए। माशाल्लाह रफीक जान तो सारे बारह चीज़ें बगोश भाई माशाल्लाह इंचो कुर्बानी का इंचो कुर्बानी दंते गोली चारू का अच्छा बच्चों से मैं एक और सवाल करता हूँ सिर्फ हाथ उठाएं ठीक है आप लोग के स्कूल का नाम क्या हाथ उठाएं हाँ जिसको इनाम मिल गया वो हाथ नीचे करें अपना अच्छा सर सबसे पहले बच्चे आप मुझे ये बताएं कि आपके स्कूल का ड्रेस कितने यूनिफॉर्म हमारा एक ही है ये असल में हमारी पुरानी नस्ल है हमारा अच्छा। स्कूल अडॉप्ट करने से पहले एक स्कूल का नाम था द वर्ल्ड परफेक्ट एजुकेशन मतलब पुराना नस्ल भी अभी तक है दोनों नस्ल जो है हम चला रहे हैं फिल वक्त जो पुरानी आबादी है उसको हम खत्म करते जा रहे हैं बच्चे यूनिफॉर्म बनवा रहे हैं हमने बर्डन इसलिए नहीं डाला बच्चों पर कि बैकवर्ड एरियाज है पेरेंट्स एक दिन का कमाते हैं बिल्कुल गोले चारू का अंचे भी मर्द मस्ता के गरीब गरीब डायरेक्टली गिफ्ट नखना चौका ने उसका गोद दिया बुक को
बाकी सारे बाद में लक मेहनत वाला के एदा भी सपोर्ट करके चुका ना के मसले ने पुराने ड्रेस से उन्हें ब्याह था। अच्छा बेटा आप बताएं स्कूल का नाम क्या है? स्काई व्यू पब्लिक स्कूल। माशाल्लाह जबरदस्त। सर इनको नाम दीजिए बच्चे को। नाम चाहिए? रियान। जाए सर मेरे ख्याल से कंटिन्यू सवाल करें कुछ बच्चों के लिए। अच्छा पोएम कौन सुनाएगा हाथ उठाए? कोई अच्छा सा पोएम? हाँ मैं आप आ जाए कोने वाली नहीं वो बच्ची आ जाए जल्दी। यार वो बच्ची का बोले चलो खैर हाँ इनको बुलाए। सुपरमैन के बाल का बाल लगा। अच्छा ये सुनाएगा बच्चा सुनाएगा ये पोएम सुनाओगे? नहीं आ जाए जल्दी भेजे इनको अगर पोएम सुनाना चाह रहे तो। अच्छा आप आ जाए जल्दी आ जाए। बस थोड़ा मारा भी हम तो दाखिल का ना मना। हाँ मजीदी मुरादी नवाजी नवाजी। हाँ मारा सर। बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत जल्द एडल्ट लर्निंग सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जनवरी के बाद। अच्छा। जहाँ शाम के औकात में वो तलबा जो बचपन में नहीं पढ़ सके। सर ये नहीं पढ़ेगा अभी भी नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। सर इनको आप पढ़ाओगे अभी इस वक्त? बिल्कुल हम पढ़ाने के लिए हाजिर है क्योंकि इल्म हासिल किया जा सकता है कब्र से कब्र तक पैदा होने से लेकर कब्र तक। ठीक है तो अभी तो माशाल्लाह जवान ही है काफी। अच्छा भाई वहाँ जाए वहाँ जाए। अच्छा भाई सारे वास्ता क्लिपिंग बेकन है भाई ये उम्र चौका ना भी वहाँ नहीं गई भाई माए जाएंगे। अच्छा बेटा मुँह उस तरफ करें। अच्छा पोएम सुनाए माए के लिए। पोएम सुनाए जोर से थोड़ा दूर रखें। चौका भाई माशाल्लाह। सर इनाम एक मिनट पहले नहीं दे पोया में तो सुनाए मछली किसका पानी बच्चा है क्या वहाँ तो याद नहीं मैं कसानिया वहां तक मछली जल की रानी है ऐशिया पोयम सुनाए माना तो भाई रफीक शुदा गिता नहीं। सर हमें मछली जल की रानी कहाँ है? बिल्कुल अभी आ जाएगी मछली तेल में है। अच्छा तेल में अब सही तेल में हुई और तो अच्छी से मछली आ जाए मछली पराया। सर आप गिफ्ट दें को फिर रफीक वही बच्चे के लिए तारियां बजाए। अच्छा कोई ऐसा बच्चा है कि आपने इंट्रोडक्शन करें इंग्लिश में इंग्लिश में? हाँ बेटा आज पीछे आप पूछो इंट्रोडक्शन कौन करेगा इंग्लिश में? यहाँ ये जुलकर नैन। हाँ पक्का आ जाए थोड़ा मनी इंग्लिश तेज आप यहाँ आ जाए। अब क्या अभी नमाज पढ़ोगे क्या हमें? तुराफी खत्म भी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं मुस्लिम। माँ नाम है जुलकर नैन। मैं फादर नाम है चनाउल्ला। वाह। आई टेटिंग क्लास प्रेप वन। आगे। आई लिव इन कराची। वाह माशाल्लाह। आगे। आगे मुझे। एंड अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज बाचे दाचकानी। दिस इज रफीक बलोच। चल इनको आप गिफ्ट दे दे। ओके मेहरबानी आपका बहुत बहुत माशाल्लाह भाई चुक्का गोली चारू का बाज वाश इंग्लिश को कासाने चुकी मनी इंग्लिश दरसर से चल रही भाई इंग्लिश माशाल्लाह माश को तक आया इंग्लिश माश को तक मरा तो जो का इंग्लिश चल मार चल तो इंग्लिश चल ना बार बेकार था कि सवाल करे तुम्हारा जवाब दो इंग्लिश मनी इंग्लिश हाँ करे करे रफीक अगर 5 रुपए गली इंग्लिश है बस। अच्छा पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया है आपको याद नहीं है क्या? आप आ जाए ना फिर आ जाए पीछे लो ज्यादा दस्तावेज चेक करके हमसे तवार आप आ जाए
आप दोनों आ जाए, दोनों आ जाए, आप वहाँ जाए, आप भी वहाँ जाए, फ्रंट सामने देखो, इस तरफ जाना। अच्छा यहाँ पर आ जाए, सामने आ जाए, आप भी आ जाए यहाँ पे सामने। हाँ पहले आप बताएं, माइक ले लें, माइक ले। चौधरी रहमतुल्लाह, चौधरी रहमत अली, आपका जवाब बिल्कुल सही है सर। आप गिफ्ट है, आपसे मैं दूसरा सवाल करूंगा, आप आ गए तो सवाल जानते। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चमेली। अच्छा रफी चमेली से गाने बजा, नीम अच्छा पास करा। चम चम चमेली। अच्छा रफी के वती शेर बिता सर, इनको भी गिफ्ट दे दे। आप बच्चों के लिए क्लिपिंग हो जाए। अच्छा गोली चारुका माँ लक मिन्नतवार सर ज़हीर अब्बास है कि मारा इनवाइट होते स्कूल है तुका और मारा इज्जत ही दाते। रफीक जान सारे बारे चीज़ें दो वर्ड्स बोगोश, पता प्रोग्राम है एंड भी करनी है। सर ज़हीर माँ लक मिन्नतवार के मारा तवारे को थी इज्जत बख्शी थी पूरी पता खुशी की अर्जा गया कि आप अपना मुआज में लोकेशन बता दें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी उन्हें एड्रेस पता नहीं है कहाँ पर बच्चों को एडमिशन करना है। रफीक ने वीडियो बना दिया, इंट्रोडक्शन आप करें। देखिए हमारा स्कूल स्काई पब्लिक स्कूल कैंपस वन मौजगोट जो है, मौजगोट कच्ची मोहल्ला कुबा मस्जिद के सामने जो गली है उसमें मकान नंबर 5 की बिल्डिंग में वाकया है। और पहले तो मुख्तलिफ नामों से ये स्कूल चलता रहा, फिल वक्त जो है स्काई पब्लिक स्कूल के अंडर अम्ब्रेला ये अपना काम सर अंजाम दे रहा है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह 1 से 2 माह में हम कैंपस 2 भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मैं नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह गुले चारू का मैं बिल्कुल रवे सारे दोमी कैंपस भी रहे, सेमिया भी रहे, दामिया भी रहे, मैं दुआ करें सारे वास्ता सारे 10-15 कैंपस भी बंद थे। बाकी गोली चारू का सारे बच्चा जाला नंबर भी पैदा के एड्रेस भी पैदा के, अगर कोई अच्छे पेरेंट्स सस्ता मात पे पची चौका मुआच को एडमिशन करना लोटा मुआच मर्दमाना खुश हो गोड़ा ब्याह था सारे स्कूल विजिट भी करने था। और इनशाला माँ रफी पदा भी कहाँ चौका नहीं भी वो खुश। बिल्कुल बिल्कुल लोकी चुका अगर अटकल पता हुआ विजिट या कहाँ है चुका चार और उम्मीद करना वहाँ चामी चो जो मेरे सस्ता वीडियो चाह रहे थे चुका लास्ट में स्कूल कारण थे। बिल्कुल गोले चारों का हमें दुआएं ने बोला माना रफी का सर ज़हीरा इजाज़त भी दे। ठीक है रफी के भी तबीयत सही नहीं खुल्ला की हमारे शुमा गिर गया था रफी कथका इस रफी के मलक मिलने तो आ रहा। अच्छा ये गिफ्ट समझ एक मिनट सबर तो कहाँ यार तारा दया भाई रफी का गिफ्ट तो वह कब्जा को था कहाँ मालूम था रफी का मामला चौका ना मिल रहा। हाँ बिल्कुल ये भाई गोले चारू का ये रफी के गिफ्ट था निश्चित का अर्थी दर के थे पेंसिल शोपनर रफी कमदा के वानी पता कार थे। रफीक जान आप हाँ चुकाना था नहीं पूरा सार वाती ऐसा हुआ चुकाना चाहिए इंट्रोडक्शन करते अलग सा। और मैं स्टाइल फिल्म्स का स्पेशली रफीक भाई और बासित भाई का शुक्र गुजार हूँ कि जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे स्कूल के लिए और छोटे छोटे बच्चों की खुशी की खातिर अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए, उसके लिए मैं शुक्र गुजार हूँ। सर हमारा काम ही यही है, हम तो बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चों हमने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले यही बताया कि हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ भी तालीम का मामला हुआ इंशाल्लाह स्टार का टीम वहाँ पर ज़रूर पहुँचेगा। सर आपका बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में बैठे हमारे साथ। अच्छा गोली चारू का हमें दुआएं होना हमारा इजाज़त बताया था इंशाल्लाह पता मिल ली नोकी एपिसोड मिलना तो आज।